ब्रह्मा जी विचार करते हैं मैं क्या करूं। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए, सत्कार्य करने में भजन सुमरण में हार मत मानो, मेरे से नहीं बनता। पड़े पड़े करो, चाहे सोए सोए करो, श्वास तो चलती है, श्वास पे नाम स्मरण करो। दुख से हार स्वीकार मत करो, हम हार मान लेते, लगे रहिए आप, सतत प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। हमने पुरुषार्थ तो किया लेकिन धन के लिए किया है। हाँ, संसार की सुख सुविधा पाने के लिए हमने बहुत प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ किए, लेकिन हमारा पुरुषार्थ परमार्थ में भी काम आए भाई बहन, समझ में आई बात। हम कितना दुकान धंधा संसार का काम करते, धन कमाते, कमाना चाहिए पुरुषार्थ, लेकिन क्या परमार्थ भी मेरा बन रहा है पुरुषार्थ से? परमार्थ भी हमारा साथ में होना चाहिए भाई बहन। इसलिए हमारे संत महात्मा बार बार समझाते हैं कहीं गलत दिशा में किया हुआ पुरुषार्थ भी कोई काम का। भागवत के 10 लक्षण बताए उनको, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकता निरोध मुक्ति और आश्रय। भगवान के आश्रय रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना से आपकी मति शुद्ध होगी, फिर पुरुषार्थ भी सही दिशा में करोगे। खाली प्रार्थना से भी बात नहीं बनेगी, साथ साथ चलना चाहिए। पुरुषार्थ में इतनी शक्ति होती है, आपके प्रारब्ध में जो है हाँ वो भी बदला जा सकता है। प्रारब्ध में दुख आने वाला है, हाँ आपने पुरुषार्थ किया है तो वो जो दुख है जो आने वाला है पुराने कर्मों से, आपके ऊपर वो हावी नहीं होगा, उसका असर आप पे नहीं होगा, होगा तो कम होगा। प्रार्थना पुरुषार्थ सत्कर्मों से पुराने कर्मों का जो दुख आने वाला है हाँ वो कम पड़ जाएगा। जैसे परीक्षित जी को श्राप मिला, सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु तो होगी लेकिन दुर्गति नहीं होगी उसकी, सदगति हो जाएगी। ये उसका पुरुषार्थ है, प्रयत्न है। हमें कोई दुख आने वाला, मान लो गर्दन कटने वाली है, कितनी पीड़ा दर्द हो, लेकिन पुरुषार्थ और आपने प्रार्थना की सत्कर्म किए हैं तो आपको खाली कांटा चुभेगा एक, और वो पीड़ा वो दर्द कांटा चुभने में ही बराबर हो जाएगी। कोई कह सकता है भजन पूजन से क्या होगा, जो होना है वो तो होगा। हाँ होगा ना, मृत्यु तो सबकी होगी संसार में, हाँ होगी ना, लेकिन मृत्यु के समय जो दर्द है जो पीड़ा है वो नहीं हो। आपने सुना होगा ना, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, जिंदा नहीं छोड़ती उसको, लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो मुंह भी वही है, दांत भी वही है, बिल्ली भी वही है, पर क्या खरोच हो जाए देखा बिल्ली के बच्चों को, कुछ बदला उसने? नहीं बदला। फिर चूहे के साथ ऐसा क्यों किया? उसको पता है ये बिल्ली का बच्चा मेरा है, अपना है। ऐसे जो भजन भक्ति सत्कर्म सत्कार्य करते हैं वो भगवान के बच्चे बन जाते हैं। तो मौत रूपी बिल्ली आए भी तो आपको कष्ट नहीं होने देगी, दर्द नहीं होने देगी, वो सीधा यहां से पकड़ के बिल्ली जैसे ले जाती दूसरे घर। ऐसे संसार से मृत्यु भी हमें लेकर भगवान के घर छोड़ देते।
कभी तर्क उतर्क मत करो, शंका मत करो, कैसा जमाना है, हम अच्छा करते हैं, कभी बुरा नहीं किया, इतने पाठ पूजा व्रत उपवास सब नहाना पवित्रता, इसके बाद भी हमारे साथ ही ऐसा होता है। और जो कभी अगरबत्ती नहीं लगाए, पूजा पाठ नहीं, सत्कर्म नहीं, भजन नहीं, वो कितने मजे में, एक बार भगवान मिल ही जाए बस, और कोई बात नहीं पूछना, यही पूछना है कि तेरा न्याय क्या है आखिर प्रभु, तू करता क्या है आखिर, समझ में ही नहीं आता है। जो कुछ नहीं कर रहे भजन भक्ति वो खूब मजे में, और जो ईमानदारी से जी रहे, सत्य बोलते हैं, फूक फूक के पांव धरते हैं, इसके बाद भी उनके जीवन में दुख अशांति था ना। एक बार मिल जाए भगवान बस, और कुछ भी नहीं पूछना है। पड़ोसी को इतना सुख क्यों दिया है, भगवान जी कहते हैं भाई, उसके पुराने सत्कर्म पुण्यों का फल उसे मिल रहा है। पर जिस समय रावण ने अत्याचार अन्याय किया, क्या भगवान को खबर नहीं थी क्या, क्यों भगवान जी ने इतना सहन किया, मां सीता का हरण हो गया, इधर ऋषि मुनियों को सताया, कितना अन्याय किया उसने, क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं जो उसे समाप्त कर दे, उसका पुण्य तपस्या इतनी थी, इसलिए गलत करते हुए भी भगवान ने सब सहन किया है भाई, उसका पुण्य इतना था भाई। जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है कर ले गुना हजार, क्योंकि तो पुण्य आड़े आ जाता है, रोक देता उसको, तो कभी भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है आप मत करो बुरा उसके साथ, आप तो भला ही सोचो, अच्छा ही करो, वो बुरा करता रहेगा, आपको खोटा भी बोलेगा, आपकी बुराई भी करेगा, तो उसके पुण्य कम होंगे पाप बढ़ेंगे, वो जब पुण्य कम होगा उसके जीवन में दुख अशांति आ जाएगी। आप मत बोलो इनका ऐसा हो जाए, इनका बुरा हो जाए, इनका ऐसा नहीं बोलना, वो तो अपने आप का ना, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अगर हम सत्संगी हैं, गुरु के प्यारे हैं, ईश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं, उनके लिए बात है, और जो सत्संगी नहीं, गुरु ज्ञान नहीं मिला है, तो फिर वो तो कोई ने बीता भर करा है, तो वो हाँ वो तो कहेगा मैं तो हाथ भर सवा हाथ करूंगा और सवाया करके दिखूंगा, तो बस ये चलता रहेगा प्रोग्राम, आपने बुरा किया उनने बुरा किया, बस ये चक्कर चलता रहेगा। सत्संगी है तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अच्छे कार्य करिए, भगवान के आश्रय रहे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के आश्रय रहे तो फिर मनु और शत्रुपा स्त्री पुरुष का निर्माण करे, उनके आकुति देहुति प्रसूति 3 बेटियां 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद 5 संतान से शुरुआत हुई संसार की।